हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन के कुछ आज नए फ्लावर्स खिले हैं उसके बारे में बताऊंगा और उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि अभी नवंबर का मंथ चल रहा है और कौन से फूल अभी खिल सकते हैं ये हम बताएंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके साथ आपको सभी जो चीज़ें हैं सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये ग्रो हो रहे हैं। अभी लिलियम्स जो हमारे पास हैं, ये वाइट कलर सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा है यहाँ पे। और उसके साथ ही आप ये वाला कलर देख सकते हैं, ये है पिंक कलर। और बहुत ही सुंदर ये लिलियम्स के प्लांट्स ने फूल हमें दिए हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, एक ये कलर है। अभी तीन कलर और खिलने वाले हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जब ये खिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप अभी भी लगा सकते हो, क्योंकि ये विद इन 1.5 मंथ्स आपको बर्ड्स के साथ फ्लावरिंग दे देते हैं। इसलिए इसको भी आप अपने घर पर ऐड करें। कितने ज़्यादा सुंदर फूल हैं और इसके आप बर्ड्स भी देख सकते हैं अभी जो ग्रो हो रही हैं। अभी ये धीरे धीरे से ये भी ओपन होंगी। और इसके साथ ही मैं कम्युनिटी टैब में आप इनका जो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये तो अभी इनको तो अभी कलर भी नहीं आया, फिर भी आप देखिए कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये गार्डन में ग्रो हो रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे गार्डन में अभी सभी प्लांट छोटे हैं, पर इन्होंने पूरी तरह से अपने पॉट को फिल कर लिए। बहुत ही सुंदर लगते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से ये सभी ग्रो कर रहे हैं। और ऐसे आप इनको भी ग्रो कर सकते हैं ऑर्नामेंटल केल। और दोस्तों, ये है हमारा सेकंड प्लांट जिसका नाम है मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं अभी। और ये और भी ज़्यादा खिलेंगे, जैसे आप बर्ड्स सभी पे देख सकते हो, बहुत सारी इस पे बर्ड्स आएंगी। ये दोस्तों मेरे पास एक पॉट है, जैसे आप देख सकते हो इसमें मैंने 6 प्लांट्स इकट्ठे लगाए हैं। और सभी के साथ आप देख सकते हो कितनी सुंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। आप देखिए कितने ज़्यादा सुंदर इसके फूल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर या ड्वार्फ प्लांट्स रहते हैं। इसके लिए हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही सुंदर ये फूल रहते हैं, इसलिए आप इनको हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। और साथ में ये वाले पौधे पड़े हैं जहाँ पे फ्लावरिंग खिल रही है धीरे धीरे से। और सभी जो भी पॉट्स हैं, सभी विद इन 15 डेज पूरा तरह से फूलों से भर जाएंगे। और ये 1 महीना कहीं भी नहीं जाते फूल, इसलिए बहुत ही सुंदर है कि ये फूलों वाला पौधा, इसको आप ऐड कर सकते हो। इसके बेबी प्लांट्स आप देख सकते हो, ये अभी बड़े होने लग गए हैं। ये भी विद इन 15 to 20 डेज आप कह सकते हैं ऐसे हो जाएंगे। और इनकी हम पिंचिंग कर देंगे, वैसे मैंने इनकी पिंचिंग नहीं की थी, पर फिर भी ये बहुत सुंदर तरीके से स्प्रेडिंग कर रहे हैं। सो आप इसको भी जरूर अपने घर पे ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैंने इसकी पिंचिंग की थी, पर फिर भी मैंने 2 इसके जो फ्लावर्स हैं छोड़ दिए थे। मैंने कलर देखना था इसका, तो आप देख सकते हो तो इसका जो कलर है कितना ज़्यादा सुंदर आया। इसको डॉग फ्लावर बोलते हैं। और शायद ये ऐसे, अगर हम इसको प्रेस करेंगे अपना, ये डॉग के जैसे अपना जो माउथ है ओपन करता है, अगर हम ऐसे इसको प्रेस करेंगे डॉग के जैसे लगता है। सो इसके लिए इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, इसको एंटीरानियम भी बोलते हैं, स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। आपको बहुत आसानी से ये पौधे अपने जो मिल जाएंगे गार्डन में, जो सॉरी नर्सरी सेंटर में जहाँ पे आप परचेज़ करने जाएंगे। और उसके साथ ही आपको बहुत सुंदर ये फूल भी देगा। इसके मैंने 10 प्लांट लगाए थे, अनफॉर्चुनेटली एक मेरा प्लांट टूट गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिक्वेल्स बहुत आती हैं, वो इन पौधों को खाती बहुत हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ भी लगाई है। विदाउट इसके कोई भी हमारे यहाँ पे जो तरीका है उसके साथ ये नहीं जाती। या फिर मैं एक फूड स्पॉट अभी रख रहा हूँ इनके लिए, जहाँ पे मैं इनके लिए दाने या ग्रेन्स कोई भी है एक जगह पे रख देता हूँ, और ये अपने गार्डन में एंटर नहीं करती और वहाँ तक ही आती हैं। और इसके लिए ये भी आप ऐड कर सकते हैं प्लांट्स। और उसके साथ मैरीगोल्ड मैंने आपको पहले ही दिखा दिए हैं। और आज पहला पेटूनिया का फूल भी खिला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसकी स्प्रेडिंग हो गई है। इसके लिए आप इसको भी दोस्तों ज़रूर ऐड कर सकते हो, चाहे आप गार्डनिंग में बिगनर हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको फूल भी देगा। और इसके साथ ही आप ये वाला फ्लावर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है इससे, पर ये स्टार वेराइटी है। मे बी फर्स्ट फ्लावर इसका ऐसा खिला है, इसके लिए नेक्स्ट फ्लावर इसका बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होगा। पेटूनियास की दोस्तों आप ग्रोथ देख सकते हो, काफ़ी सारे मैंने बीज से ग्रो किए हैं, इसमें काफ़ी सीडलिंग्स भी हैं। सो आप इसको भी अपने घर पे ऐड करें और देखें आपके प्लांट कैसे ग्रो करते हैं। इसके लिए मेरे पास स्टार वैरायटी भी है, शायद इसका कल ब्लूम होगा ये वाला। और बहुत ही सुंदर तरीके से सभी जो प्लांट्स अपनी स्प्रेडिंग कर रहे हैं। मैं इनकी पिंचिंग नहीं करता, क्योंकि इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर आपने पिंचिंग कर दी तो इसके आपको फ्लावर्स जनवरी में मिलेंगे एंड में जाके, क्योंकि अभी धूप है जो कम होने लगती है, और दिसंबर में तो बिल्कुल भी धूप नहीं रहती।
इसके लिए अभी इनकी पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फ्लावर्स आप ले सकते हैं आप लें, और डेड हेडिंग ज़रूर करें उसके बाद। और ये हमारे सभी मैरीगोल्ड्स, इनमें फ्लावर्स आने बाकी हैं पर बहुत सुंदर तरीके से ग्रो हो रहे हैं, आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में काफ़ी बार दिखाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाइबिस्कस, बहुत ही सुंदर फूलों वाला ये एक प्लांट है। हाइबिस्कस का ये कलर बहुत ही ज़्यादा रेयर है और आपको नर्सरीज में इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, अभी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी सेल नहीं करते। सो आप लोकली या परचेज़ करिए या फिर अपना कोई सेलर आप देख सकते हो और उससे अगर आपको ये कलर मिले तो आप लें ज़रूर। बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स देता है और हार्डी भी प्लांट है, ग्राफ्टेड प्लांट है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ग्राफ्ट है यहाँ से किया गया है और यहाँ से ये अपना इंडिविजुअल प्लांट बन गया। अभी तो वैसे इसमें खास डिफरेंस नहीं लग रहा, पहले था और अभी तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह का वुडी ग्रोथ ले चुका है। बहुत ही सुंदर ये प्लांट है, आप इसको ज़रूर अपने घर पे ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप छोटा सा विंका का प्लांट देख सकते हो, का भी दोस्तों बहुत ही सुंदर एक फूलों वाला पौधा है। इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप अपने गार्डन में ज़रूर नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। और ये वैरायटी बहुत ही सुंदर है और डिफरेंट है दूसरे विंका से। ये विंका टैटू है, सीजन पॉट से मैंने सीड्स से ग्रो की थी पर ये मैंने कटिंग ग्रो की है, कटिंग भी इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। सो आप इसको भी अपने घर पर ग्रो कीजिए और देखिए कैसे आपके यहाँ पर ग्रो होते हैं ये। और इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं, ये अभी ब्लूम होने वाले हैं जो मेरे सभी क्राइसैंथेमम्स हैं। इसमें बहुत सुंदर जो बर्ड्स आने लगी हैं, ये सभी डिफरेंट कलर के हैं, मैंने बहुत सारे इसमें कलर्स मंगवाए थे। और ये अभी देखते हैं कौन से कलर निकलते हैं, आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा मैं अगर जब भी इसके फ्लावर्स आए। और इसके साथ ये डबल पेटूनिया सामने पड़े हैं, आप डबल पेटूनिया भी देख सकते हैं। और इसके साथ दूसरे क्राइसैंथेमम्स हैं जो सभी बहुत बढ़िया तरीके से ब्लूम हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये दोस्तों देखिए पोर्चुलाका में बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, ये डिफरेंट वैरायटी है पोर्चुलाका की और ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। आप देखिए इसमें डबल शेड है जो इसका प्लांट है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं, मैंने पहले इसको ग्रो किया था और अभी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई और सर्दियों में भी ये फूल दे रही है। जनवरी में मैं इसकी जो प्रनिंग कर दूंगा और अच्छी सी खाद देके दोबारा से रख दूंगा, जिसके साथ ये फरवरी एंड में दोबारा से अपनी जो ब्लूमिंग है स्टार्ट कर देंगी। अभी फूल थोड़े से कम हो गए हैं ज़रूर पर बहुत ही सुंदर इसके फूल खिलते हैं अभी भी। बर्ड्स आप देख सकते हो अभी भी बहुत आई हुई हैं। सो ये भी आज मेरे गार्डन में खिले हुए थे, आपको मैंने दिखा दिए। सो इसके साथ दोस्तों हर रोज़ कोई नया फूल खिलता रहता है और उसके साथ ही अभी और खिलेंगे क्योंकि सभी पे बर्ड्स आ गई हैं। अभी काफ़ी सारे प्लांट्स रेडी हैं ब्लूमिंग के लिए, आई होप दिसंबर में ये बहुत बढ़िया तरीके से ब्लूम करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा अभी दिसंबर में। सो ये थे प्लांट्स जो आप देख सकते हो, मैं आपको स्मॉल एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो हो रहे हैं और सभी की जो प्लांट्स की हेल्थ है वो भी सही है। इनमें फर्टिलाइज़र देने का भी टाइम है, मैं दोबारा से दूंगा एक फर्टिलाइज़र और उसके लिए मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैं वो भी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कैसे मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ अपने प्लांट्स को। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सभी जो मेरे प्लांट्स हैं ये सभी पसंद आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो आपको सभी जो अपडेट्स हैं सबसे पहले ही मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।